देखिए यूट्यूब पटना बिहार की ओर से सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये धनु सेतु का सीढ़ी है। दो नन्हे बच्चे जो हैं वो आंगनवाड़ी स्कूल नहीं जाकर यहाँ भीख मांगने बैठे हैं और कुछ युवक जो हैं वो उन्हें 1 रुपये या 2 रुपये देकर दे देते हैं। इन्हें इस समय आंगनवाड़ी स्कूल जाना चाहिए था लेकिन ये धनु सेतु के सीढ़ी पर बैठ करके भीख मांग रहे हैं और अगर इन्हें भीख दिया गया इसका मतलब है कि इन्हें बढ़ावा दिया गया भिखारी बनने के लिए। ऐसे नन्हे उन्हें बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए आंगनबाड़ी, इन्हें भीख देकर के भिखारी बनने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। अगर हम इन्हें भीख देकर के प्रोत्साहित करेंगे तो आगे चलकर या तो ये पॉकेट मार बनेगा या सामाजिक अपराधी बनेगा और या नहीं तो एक भिखारी बन जाएगा या किसी सामाजिक जो असामाजिक तत्व हैं उनके गिरोह में फंस करके और यह भीख मांगने का काम करेगा भविष्य में। स्कूल नहीं जाते हो? स्कूल पढ़ने नहीं जाते हो? क्यों? आंगनवाड़ी में तो फ्री में पढ़ने पढ़ाया जाता है, खाने के लिए खिचड़ी भी दिया जाता है, फल भी दिया जाता है, लेकिन पढ़ने नहीं जाते हो तुम लोग? क्यों? मम्मी नहीं भेजती है? तुम भी नहीं जाते स्कूल? क्यों नहीं जाते? पढ़ना नहीं चाहते हो? क्या नाम है? नाम बताओ तुम्हारा अपना। हाँ, साहिल। और तुम्हारा नाम? साजन। और पढ़ते नहीं हो? स्कूल क्यों नहीं जाते हो? वहाँ पर पढ़ने में मन नहीं लगता है? नहीं नाम लिखाए हो? मम्मी को नहीं बोलते, पापा को नहीं बोलते स्कूल नाम लिखाने के लिए? यही भीख मांगने में अच्छा लगता है क्या? हाथ फैला करके सबसे भीख मांगते हो, अच्छा लगता है? हाँ जी, तुमको अच्छा लगता है भीख मांगने में? इसी उम्र में भीख मांगते हो, हाथ फैला के अच्छा लगता है क्या? नहीं तो फिर क्यों बैठे हो भीख मांगने के लिए? मम्मी पापा हैं, खाना पका के खिलाएंगे, तुमको भीख क्यों मांगते हो? अच्छी आदत नहीं है भीख मांगना। मेहनत करो, अभी पढ़ने का उम्र है, पढ़ो ठीक है। मम्मी पापा को बोलो कि आंगनवाड़ी में नाम लिखा देने के लिए, वहाँ फ्री में कपड़ा भी मिलता है, खाने के लिए भी मिलता है और किताबें भी मिलती है। बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो? कुछ बनना चाहते हो बड़ा होकर के? क्या बनोगे बड़ा होकर के? हाँ, जोर से बोलो, क्या बनोगे? डॉक्टर कि पुलिस? पुलिस बनोगे? क्यों? हाँ, पुलिस बनोगे। तुम क्या बनोगे पढ़ करके? बोलो, भीख मांगना अच्छी बात नहीं है, भीख नहीं मांगना चाहिए ठीक है। कल से स्कूल जाओगे ना, आंगनवाड़ी जाओगे, मम्मी पापा को बोलोगे आंगनवाड़ी में नाम लिखाने के लिए कि यहीं बैठ करके भीख मांगोगे? बोलो, भीख मांगना अच्छी बात नहीं है अभी इस उम्र में? इन नन्हे मुन्ने बच्चों के माता पिता का भी दायित्व है कि बच्चों को अगर हम जन्म दिए हैं तो उनके अधिकारों की रक्षा करें और उन्हें आंगनवाड़ी में भेजें, ना कि यहाँ धनु सेतु जैसे पुल पर भेज करके उनसे भीख मंगाने का काम करें। अगर हम उन्हें जन्म दिए हैं बच्चों को तो उन्हें पालने पोसने और भोजन खिलाने का भी अधिकार है माता पिता का, या ना कि ये बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ बैठ करके भीख मांगे और लोगों को जो यहाँ से जा रहे हैं उनसे हाथ फैलाकर भीख मांगे। भीख मांगना अच्छी बात नहीं है ना? नहीं ना है? मांगोगे भीख अब? नहीं ना, जाके घर में खाना खाओ, जाओ घर जाओ, यहाँ भीख मत मांगो, जाओ घर जाओ, जाओ अच्छी बात नहीं है भीख मांगना, जाओ घर जाओ। हाथ पीर पहन रहा है, आदत है भीख मांगने की ना। अभी ट्रेनिंग पीरियड में हो क्या? अच्छी आदत नहीं है, भीख नहीं मांगनी चाहिए। घर में जा करके
स्नान किए नहीं ना हो? स्नान किया नहीं किया तुमने? स्नान किए हो? मुंह धोए हो? मुंह धोए हो? क्या क्या खाए? कुछ खाए हो? क्या खाए हो? हाँ, मुंह नहीं धोए कुछ खाए हो? स्नान तो नहीं किए हो? नहीं ना। क्या खाए हो? रोटी, बासी रोटी खाए हो? ओ, कितना रोटी खाए हो? एक रोटी, दो? एक रोटी खाए हो? सब्जी के साथ के छुच्छे खाए हो? हाँ, क्या चीज? छुच्छे खाए हो कि सब्जी के साथ कि मुर्गा के साथ? हाँ, मुर्गा भात खाए हो? और तुम क्या खाए हो? रोटी, छुच्छे, बासी रोटी खाए हो? ओ, घर में जाके पढ़ाई करो। मम्मी पापा को बोलो कि आंगनवाड़ी में नाम लिखा देने के लिए, भीख नहीं मांगने के लिए आना है, समझा? भीख मांगना अच्छी बात नहीं है। मम्मी पापा को जिद करो कि आंगनवाड़ी में नाम लिखवा दे। जाओ जाओ घर जाओ, यहाँ भाई भीख में बैठो मत, यहाँ पे जाओ, नहीं तो हम बोल देंगे कि हाँ बच्चे जो हैं भीख मांगते हैं। अच्छी आदत नहीं है भीख मांगना। कटम का तो अमृत न्यूज़ यूट्यूब पटना बिहार।